नो डाउट आपको थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि ये वीडियो किसके रिलेटेड होने वाला है, बट फिर भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो फाइनली लाइटरूम में कितने युग बाद एक ढंग का अपडेट आया है। पहले भी आया था बट ये वाला भी मस्त है। तो आपको पता ही होगा कि पहले लाइटरूम में वीडियोज एंड फोटोज को एडिट करने के लिए पहले उसको इम्पोर्ट करना पड़ता था उसके लाइब्रेरी में, देन आप उसे एडिट कर पाते थे। और ये टूल बाकियों से अजीब और थोड़ा पेचीदा भी था, जिससे फ्रस्ट्रेट भी होते थे लोग। और ये प्रोसेस फालतू में हमारा टाइम भी कंज्यूम करता था और बेकार में इम्पोर्ट का भी टाइम लेता था। बट अब नहीं, क्योंकि लाइटरूम में एक बहुत ही मस्त अपडेट आ गया है। अब आपको फोटोज एंड वीडियोज को इम्पोर्ट नहीं करना पड़ेगा, कोई भी मीडिया इम्पोर्ट नहीं करना पड़ेगा। कैसे? क्योंकि अपडेट ही ऐसा है। अब आपको लाइटरूम में किसी भी वीडियो या फिर फोटो एडिटिंग एप्लीकेशन के जैसा ही आपको प्रीव्यू मिलेगा। मतलब आप लाइटरूम को ओपन करते वहाँ पर आपको सारा मीडियाज दिख जाएंगे, फोटो अलग वीडियो अलग, बट आपको इम्पोर्ट करने का जरूरत नहीं है। जैसे लाइब्रेरी में प्रीव्यू दिखता है वैसे आपको इसमें भी दिख जाएगा, एंड आप डायरेक्टली क्लिक करके उसे यूज भी कर सकते हो। समझ रहे हो? अब जैसे मैं लाइटरूम को ओपन करता हूँ, आप देख सकते हो इसका प्रीव्यू कैसा आ रहा है। सो एंड यहाँ पर मेरा मीडिया सारा दिख रहा है और आपका भी जो होगा वो सारा दिखेगा यहाँ पर। ठीक है, आपको इंपोर्ट करने का कोई भी झंझट नहीं है अब, और इससे आपका टाइम बहुत ज़्यादा बचेगा गाइस। नाइस। उसके साथ साथ आपको पता ही होगा कि लाइटरूम हर अपडेट में करता है अपने परफॉर्मेंस को थोड़ा सा इम्प्रूव किया है, और कोई भी मोबाइल में इजीली वर्क करेगा, थोड़ा सा और स्मूथ हो गया इसका जो इंटरफेस है, एंड अब आप इजीली यूज कर सकते हो। उसके साथ साथ कुछ और चीज़ इसने अपडेट किया है, लाइक मतलब जो टूल्स बटन होते थे जैसे कि लाइट्स का, कलर ग्रेडिंग का, तो उसको आप नीचे की ओर भी ला सकते हो जैसे कि मैंने अभी करके दिखाया है। तो उसके लिए आपको कुछ सेटिंग्स करना पड़ेगा। क्या सेटिंग्स अभी देखिए। अब जो इसमें नेक्स्ट अपडेट आया मैं आपको भी दिखा रहा हूँ क्या है। सो तो आपको किसी भी मीडिया को इसमें ओपन कर लेना है। तो सपोज मैंने इसको अभी ओपन कर लिया है, अभी यहाँ पर देखिए आपको राइट कॉर्नर पर यहाँ पर दिख रहा है सारा टूल्स, बट अभी आप कुछ सेटिंग्स करने के बाद इसको आप नीचे ले आ सकते हो। कैसे, मैं दिखाता हूँ। तो पहले बैक आना है, देन आपको थ्री डॉट पर क्लिक करना है, देन यहाँ पर आपको अर्ली एक्सेस दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। अब इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको दो दो चीज़ मिल जाएंगे, जो है कि न्यू एडिटर और दूसरा एच डी आर सपोर्ट। और गाइस ये अर्ली एक्सेस है, मतलब ट्रायल क्रिया भी दिया हुआ है, और नीचे एच डी आर सपोर्ट, अगर आपका फोटो एच डी आर है तो ये सपोर्ट करेगा। तो अभी बैक आना है। अब मैंने सेटिंग कर लिया। अब आप जैसे अपने फ़ोन को वर्टिकल पोजिशन पर रखोगे तो उसका जो टूल्स है चेंज हो जाएगा, मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको। तो अभी देखें सारा टूल्स नीचे आ चुका है, उसका जो प्रीव्यू पूरा चेंज हो चुका है। इसको कैटेगरी वाइज बिल्कुल बांट के रखा है, तो आप इसको अच्छे से और एडिट कर सकते हो आप। तो गाइस इतना ही अपडेट था। अगर आपको अपडेट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।